न्यू टाटा अल्ट्रोज है ये। अब इसके अंदर में BS6 का फेज 2 वाला इंजन आ चुका है। अब जैसे आप एक डीजल इंजन लेने निकलते हो ना गाड़ी के अंदर, हैचबैक के अंदर, तो जो ये टाटा की अल्ट्रोज है भाई, इसी के अंदर ही मिलेगा। i20 आती है उसके अंदर नहीं आता है, स्विफ्ट में नहीं आता है, बलिनो के अंदर में नहीं आता है, बट डीजल इंजन के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको नहीं मिलेगा। पेट्रोल इंजन में ही सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है इसके अंदर में मिलेगा। जैसे आप इस गाड़ी की हेडलाइट देखोगे तो ये हैलोजन बल्ब के साथ में आती है। गाड़ी में कोई यहाँ पे फॉग लाइट्स नहीं मिलेगी और ब्लू कलर में भाई गाड़ी मतलब बढ़िया लग रही है और सेफेस्ट भी है ये गाड़ी। जैसे इसका कलर बताओ ना कौन सा ज़्यादा बढ़िया है भाई, मुझे तो जो इसका ब्लैक कलर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बाकी ये ब्लू कलर है ये भी बढ़िया लग रहा है। जो इसका ग्रे कलर आता है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, बाकी कलर की ना सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है। ये कुछ नेक्सा ब्लू टाइप का सा कलर आपको देखने में लगेगा। इसके अंदर व्हील नहीं आते हैं, यहाँ पे सिर्फ व्हील कवर्स ही आते हैं। MRF के टायर्स जो हैं यहाँ पे मिल जाते हैं, 185, 60 और 16 इंच का टायर सेक्शन मिलता है। फ्रंट डिस्क आता है, रियर गाड़ी के अंदर में ड्रम ब्रेक आ जाता है और अलॉय व्हील जो आएंगे वो XZ जो वेरियंट आएगा उसी से ही आने लगेंगे। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में भाई यहाँ पे ORVMs मिल जाते हैं। बॉडी कलर ही डोर हैंडल है, माइक्रो टाइप गाड़ी के अंदर में एंटीना मिल जाता है। अब इन ORVM जो है ना ये आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाले आ जाते हैं जिनकी एडजस्टमेंट आपकी यहाँ से होती है, और ये फोल्डेबल भी जो है ये इलेक्ट्रिकली ही आते हैं। जो डोर्स है गाड़ी के भाई 90 डिग्री ओपन हो जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और पीछे के भाई स्विफ्ट टाइप कैसे डोर हैंडल्स यहाँ पे मिलते हैं। 90 डिग्री डोर ओपन होने से क्या है, गाड़ी के अंदर जाना बाहर आना काफ़ी आसान हो जाता है। बलिनो के अंदर देख लो, स्विफ्ट के अंदर देख लो भाई, उनके अंदर क्या है, ये नीचे वाला जो फ्लोर है ना बिल्कुल फ्लैट नहीं मिलता है, यहाँ पे देखो बिल्कुल फ्लैट फ्लोर मिल जाता है। तो गाड़ी के अंदर जो बीच वाला बंदा बैठेगा ना वो भी काफ़ी आसानी से बैठ सकता है। और पीछे तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे भाई डिस्क ब्रेक नहीं आते हैं। 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग कार है भाई हैचबैक में। हैचबैक में देखोगे तो कोई सी भी गाड़ी, ना तो आपकी बलिनो, ना आपकी स्विफ्ट, ना आपकी i20, ये कोई सी भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग कार नहीं है। पीछे की तरफ में गाड़ी में कोई डिफोगर वाइपर नहीं मिलता है, सिर्फ स्पोर्टी डिज़ाइन के से यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप भी जो है गाड़ी में मिल जाता है। और यहाँ नीचे की तरफ देखोगे तो गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर गाड़ी में आते हैं। बट इस वेरिएंट के अंदर कोई कैमरा जो है आप लोगों को नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ में रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं उसको फॉग लाइट जो है यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब इसकी बूट को ओपन करने के लिए क्या है, यहाँ पीछे मैग्नेटिक स्विच मिल जाता है। बूट स्पेस 345 लीटर का गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। सेकंड रो की जो सीट है बेंच टाइप ही इसके अंदर मिलती है। कोई बूट लैंप भी जो है इस गाड़ी के अंदर में पीछे की तरफ में नहीं मिलता है। और यहाँ पे भाई टायर पंचर की मोबिलिटी किट, ये बढ़िया चीज़ कर रखी टाटा ने कि बेस वेरिएंट लो चाहे टॉप वेरिएंट लो, सभी के अंदर में टायर पंचर की मोबिलिटी किट मिल जाती है। इसी के अंदर इन्फ्लेटर भी जो है आप लोगों को मिल जाता है और स्पेयर व्हील भी भाई गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। अबे निकल गया यार, ये देखो ये दे रखा है इस गाड़ी का स्पेयर व्हील। 165/80R 14 इंच का यहाँ पे टायर सेक्शन इसके अंदर में मिल जाता है। लोडिंग लिफ्ट तो थोड़ा सा ज़्यादा है तो सामान रखने में उतारने में हल्की फुल्की दिक्कत आएगी, बट यूँ है गाड़ी के अंदर में स्पेस काफ़ी अच्छा सा मिल जाता है। अब भी दिखाता हूँ भाई इस एक्सपीरियंट के इंटीरियर्स में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। 90 डिग्री अभी ओपन नहीं कर सकते, 90 डिग्री ओपन कर दिया ना तो शोरूम वाले मेरे को ओपन कर देंगे। ये देखो भाई जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है फ्लैट बॉटम ही आता है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं और हॉर्न सुनाता हूँ मैं गाड़ी का, डबल हॉर्न यहाँ पे मिल जाता है। ऑटो हेडलैम्प गाड़ी के अंदर में नहीं आते हैं, ऑटो वाइपर में नहीं आते हैं। टैकोमीटर जो स्पीडोमीटर है ना गाड़ी का, वो तो भाई दोनों चीज़ें एनालॉग में मिलती है और बीच में डिजिटल डिस्प्ले भी यहाँ पे मिल जाती है। आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ का यहाँ पे स्विच मिल जाता है। बट यार ये क्या चीज़ कर दी टाटा ने भाई, यहाँ तो यहाँ पे मतलब ऊपर वाले वेरिएंट में यहाँ पे पुश स्टार्ट आ जाता है, अब पुश स्टार्ट नहीं दिया, एटलीस्ट यहाँ पे कवर अप तो करके दे देते। ये देखने में बड़ा भद्दा सा लग रहा है। गाड़ी आपकी यहीं से स्टार्ट होगी, यहाँ पे भी जो आपको स्पेस मिल जाता है। और जो इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है वो आपकी टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में आता है, टेलीस्कोपिक वो नहीं आता है। पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में डोर हैंडल्स मिल जाएंगे, बड़े बड़े ऐसे पिलर्स मिल जाएंगे। जो गाड़ी की साउंड क्वालिटी है ना, स्पीकर्स की क्वालिटी है वो भाई काफ़ी अच्छी सी मिल जाती है। हरमन कार्डन की भाई यहाँ पे टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है जो कि आपके एंड्रॉइड ऑटो भी सपोर्ट करेगी, एप्पल कारप्ले भी सपोर्ट करती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी में नहीं आता है, बट देखने में बिल्कुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे लगेगा। 5-स्पीड गाड़ी के अंदर में गियर बॉक्स आता है, ये इको के लिए बटन दे रखा है। आर्म रेस्ट भाई इस वेरिएंट के अंदर नहीं आएगा, यहाँ पे भी यार स्पेसिंग से ओपन छोड़ दी। यार इनको ना कवर अप कर देते तो देखने में बढ़िया सी लगती है। यहाँ पे देख रहे हो 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है USB। अब ऑक्स नहीं देनी थी तो यार कटिंग सी नहीं देनी चाहिए थी, बाकी इतनी कमियाँ
मैं बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, इन चीज़ों को कवर अप कर देते हैं ना तो गाड़ी बिल्कुल बढ़िया सी लगती है। अब फिट एंड फिनिश के मामले में तो जो ये अल्ट्रोज है ये इतनी बढ़िया सी नहीं है। सबसे बढ़िया फिट एंड फिनिश आती है इनकी, जो पंच आती है ना उसके अंदर आती है। अल्ट्रोज, टियागो, टिगोर, इनके अंदर में फिट एंड फिनिश का थोड़ा सा है लफड़ा। बाकी जो गाड़ी का ग्लव बॉक्स है अच्छा डीप सा मिल जाता है, उससे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। IRVM क्या है भाई, यहाँ पे कोई मैनुअल डे नाइट नहीं मिलते हैं। रीडिंग लैंप यहाँ सेंटर में सिर्फ एक ही बल्ब सा ही दे दिया ये, यार ये ऑन ऑफ भी नहीं हो रहा है। और ये बटन भी भाई बड़ा अजीब सी क्वालिटी का दे रखा है, तो ये थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट इसके अंदर में होना चाहिए था। पैसेंजर साइड सनवाइजर में कोई मिरर लैंप नहीं मिलता है, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में टिकट होल्डर मिल जाते हैं, बट टिकट होल्डर मुझे लगता नहीं है कि आजकल कोई इतना यूज़ में लेता होगा। अब ये चीज़ देख रहे हो भाई, यहाँ पे क्रोम में दे रखा है, जो इसके एयर वेंट के अक्रॉस देखोगे तो ये चीज़ गाड़ी में बिल्कुल बढ़िया सी है। विजिबिलिटी गाड़ी के अंदर से बहुत बढ़िया सी आ जाती है। साइड विंडो है ना, जैसे ये प्लास्टिक वाला पैनल ये मुझसे नीचे है, तो यहाँ से बिल्कुल बढ़िया है। ORVM बिल्कुल सही सी पोजिशन में है, चलाने में तो नो डाउट काफ़ी मजा आएगा। बट जैसे वो वाइपर उठा हुआ है वो थोड़ी सी दिक्कत करता है। जो पिल्लर्स हैं ये इसके थोड़े मोटे हैं, तो ये मोड़ तोड़ में जैसे आप गाड़ी को, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करते हैं। और बाकी डोर हैंडल जैसे देखोगे तो वो भाई काफ़ी अच्छा सा आप लोग को मिल जाता है, बट यहाँ पे ना कोई फैब्रिक लेदर का यूज़ नहीं मिलेगा। अब इसकी सेकंड रो में दिखाता हूँ कि कैसे क्या कंफर्ट जो है मिल जाता है। जो ड्राइवर वाली सीट है ना भाई, 6 फुट के अकॉर्डिंग से भी पीछे हो रखी है। अब उसके बाद देखना नी रूम भाई टाइट सा ही हो गया है, बट लेग रूम ही हो है ठीक मिल जाएगा। अगर दो जने गाड़ी में बैठे हैं ना, अगर 6 फुट से पीछे सीट कर रखी है मान लो, तो भाई गाड़ी के अंदर में बिल्कुल बढ़िया सा कंफर्ट मिल जाएगा। अगर 6 फुट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे तो दो जने काफ़ी कंफर्टेबली गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, और बीच वाला भी जो बंदा बैठेगा ना वो बिल्कुल आराम से बैठ सकता है, क्योंकि फ्लैट फ्लोर है। शोल्डर्स तो भाई हर एक गाड़ियों में टच होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसी के अंदर स्पेशल चीज़ है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, बट ये फोल्डेबल वाले से नहीं आते हैं। और डोर्स पे देखोगे बोतल कैरी करने के लिए बड़े बड़े होल्डर दे रखे हैं, और नीचे स्पीकर्स भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर देखो, फर्स्ट रो में तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, सेकंड रो में तो फिक्स ही हेडरेस्ट मिलते हैं, और 2 3-point सीट बेल्ट गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। इसके अंदर में BS6 का Phase 2 वाला नया इंजन लगा हुआ है। ये देखो, ये है Phase 2 वाला BS6 का इंजन, बट यहाँ पे जैसे देखोगे ना BS6 ही लिखा हुआ। अब दिखा दूंगा भाई BS6 का Phase 2 आप कैसे पता लगाओगे। जो ये इंजन है ना 85 BHP और 113 Nm का टॉर्क ये भाई प्रोड्यूस करता है। बाकी डिपेंड करेगा गाड़ी किस तरीके से और किस टेरेन में आप ड्राइव कर रहे हो। जो इस गाड़ी का डीजल इंजन है ना वो तो भाई काफ़ी तगड़ी सी माइलेज निकाल के दे देता है। बाकी पेट्रोल इंजन भाई मुझे लगता नहीं है कि इसकी इतनी बढ़िया सी माइलेज आप लोगों को मिल पाएगी। अब बताता हूँ भाई इसमें BS6 का Phase 2 का कैसे पता लगाओगे। मान लो आपको इंजन से भाई समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है क्या नहीं है, यहाँ पे पता ही नहीं चल पा रहा है। अब देखो ये वाला डोर खोलना, ये चीज़ ना मोस्टली मैंने टाटा में ही देखी है। मारुति में तो भाई ऐसी कोई चीज़ दे ही नहीं रखी। अगर छुपा लेते हैं इसका चेसी नंबर, अब देखो ये लिख रखा BS6 Phase 2 वाला इंजन है ये। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हैं ना ये चीज़ ज़रूर देख के लेना कि BS6 का Phase 2 वाला इंजन है। बाकी अप्रैल से इनकी लास्ट गाइडलाइन है कि BS6 का Phase 2 वाले इंजन का ही रजिस्ट्रेशन होगा। बाकी बचेंगे तो यार उनका भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकल जाता है, भारत है ये। तो गाइस ठीक है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।